हाउंटिंग ऑल की रोमांचक वीडियोस के लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। समंदर के किनारे बैठा राजेश हताश होकर अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहा था। घर का कर्ज और बिजनेस में नुकसान और दोनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी उसे कोई गलत कदम उठाने से रोक रही थी। आखिरकार उसने फैसला किया और वो समंदर की गहराई में जाने लगा। पर तभी एंटीक लगता है, इसका कुछ अच्छा पैसा मिल जाए तो कुछ दिनों की मोहलत मिल जाएगी। हेलो सर, मैं आपका वकील बोल रहा हूँ। आप केस जीत गए, आप अपनी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। क्या सच कह रहे हो? थैंक गॉड। राजेश उस मूर्ति के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे उसके हाथ में आते ही उसे अच्छी खबरें मिलने लगी। उसने उस मूर्ति को ना बेचने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में राजेश की सारी परेशानियां खत्म होने लगी और वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। एक रात मूर्ति को हाथ में लेकर वो कुछ सोच रहा था, तब उसे मूर्ति के नीचे एक डिब्बा मिला जिसमें एक पुस्तक थी ब्रह्म राक्षस की। राजेश संस्कृत का स्टूडेंट था, उसने पुस्तक पढ़ना शुरू किया। ब्रह्म राक्षस को खुश करने से आप अपनी जिंदगी में हमेशा उन्नति पा सकते हैं। राजेश की जिंदगी में वैसे अब कोई तकलीफ नहीं थी, फिर भी और पैसे और शोहरत की लालच में उसने ब्रह्म राक्षस की उपासना करने का फैसला किया। दिन रात की कड़ी उपासना करके राजेश की तबीयत और बिगड़ने लगी और एक दिन